मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन में आज बवाल हो गया। धारा 144 लगी हुई है, इसके बावजूद ये तस्वीरें देखें किस तरह से इतने लोग इकट्ठा होकर हंगामा मचा रहे हैं। ये झड़प राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद इरशाद और उसी यूनियन के मेंबर मोहम्मद आशिफ के बीच में जमकर बवाल हुआ है। दोनों में झड़प हुई है। हालांकि जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर पहुंचकर मार्केट को बंद करा दिया। दोनों को 149 के तहत नोटिस देकर छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि आसिफ और इरशाद ने बताया है कि मार्केट में रास्ते को लेकर विवाद हुआ है। सब्जी मार्केट में दुकानदार दोनों तरफ से आगे बढ़ गए और बीच में जो रास्ता है वो कम हो गया। आसिफ ने इरशाद से दुकानदारों को पीछे करने को कहा, मगर इरशाद ने कहा कि बाद में करेंगे, जिसकी वजह से ये विवाद हुआ है। वहीं इस विवाद के वक्त मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि मार्केट में किसी चीज के हिसाब किताब को लेकर दोनों आमने सामने आ गए। अब आखिर किस चीज का हिसाब किताब है, मार्केट का है या फिर और किसी चीज का हिसाब किताब को लेकर इन दोनों में झड़प हुई है। हालांकि इन दोनों में वाकई में हिसाब को लेकर बवाल हुआ है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते हैं, मगर धारा 144 लगने के बाद किस तरह से ये दोनों तरफ से दर्जनों भर लोगों ने मिलकर झड़प की है, देखें ये वीडियो। नहीं बेट, Thank you.
ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।